हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ब्लैक बॉक्स प्लगइन बेसिकली है क्या, और जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कोड एज फास्ट एज यू थिंक, ठीक है। और यहाँ पर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कोड ऑटो कम्प्लीट मेड ईजी। और ये जो प्लगइन है बेसिकली AI प्लगइन है, जिसमें ये कोड को ऑटोमेटिक हमारे लिए करके देता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो प्लगइन है बेसिकली जावा, पाइथन और इस तरीके से 20+ लैंग्वेजेस के साथ आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्लगइन को VS कोड में लेट सपोज यूज़ करते हैं, और यहाँ पर देखो कि हमने ये ब्लैक बॉक्स प्लगइन जो है ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा एक कोई भी फाइल बना लेनी है। लेट सपोज ये फाइल बनाई हुई है, इसको हमने सेव भी नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद इस प्लगइन में हमें करना क्या होगा, अगर कॉमेंट में हम कुछ भी लिखते हैं और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो विद इन टू टू थ्री सेकेंड ये हमारे लिए कोड करके देता है, ठीक है। लेट सपोज अगर हम लिखते हैं कनेक्ट टू मोंगो डीबी इन नोड JS, ठीक है। हमने इतना लिखा और इतना लिखने के बाद जैसे ही हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये हमें पूरा कोड करके दे देगा, ठीक है। ये देखो, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा कोड आ चुका है, ठीक है। हमने सिर्फ कितना लिखा, कमेंट सेक्शन के मतलब कमेंट के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है कनेक्ट टू मोंगो डीबी इन नोड JS। इतना लिखने के बाद हमें सिंपली क्वेश्चन मार्क लगाना है, और क्वेश्चन मार्क लगाते ही जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा कोड आ चुका है। फिर इसके बाद सिंपली हमें टैब कर देना है, टैब बटन दबा देनी है और हमें पूरा कोड प्रोवाइड कर देगा। और साथ में देख सकते हो कि इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कि ये कोड जो है ये आया कहाँ से, स्टैक ओवरफ्लो से आया है, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज हम लोग कुछ और लिखते हैं, लाइक हम लिखते हैं राइट अ जावा प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। हमने इतना लिखा और इतना लिखते ही सिंपल हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया, और इसके बाद ये हमें 2 से 3 सेकंड के अंदर जो है कोड जनरेट करके दे देगा। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसने पूरा जावा का कोड हमें जनरेट करके दे दिया। हमने टैब दबाया और पूरा का पूरा कोड हमारे ID में आ गया, और इसका साथ में सोर्स भी आया है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई जावा की हो गई, और लेट सपोज ये हमने जावा स्क्रिप्ट का भी एग्जांपल देखा। अब लेट सपोज हम कुछ स्प्रिंग बूट में करके देखते हैं, अगर यहाँ पर कभी लेट सपोज कोड तुम्हें जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब तुमने यहाँ पर जो कमेंट के अंदर जो लिख रखी है स्टेटमेंट, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको मैनिपुलेट करके तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट सपोज हम यहाँ लिखते हैं क्रिएट अ सिंपल स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। हमने यहाँ पर इतना लिखा और इसके बाद सिंपल क्वेश्चन मार्क लगाया, तो अब देखो ये हमें कोड यहाँ पर जनरेट करके देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कोड आ गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये पूरा कोड भी हो सकता है कभी कभी ना दे, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज हम कुछ और, तो अब इसके बाद देखो हम लोग यहाँ पर कुछ और डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन अगर ट्राई करके देखते हैं, लाइक बाइनरी सर्च इन जावा, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा क्रिएट अ प्रोग्राम ऑफ बाइनरी सर्च इन जावा, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमने यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन मार्क लगाया, और नीचे देख सकते हो लिख कर आ रहा है ब्लैक बॉक्स सर्चिंग, ठीक है। तो इसने देखो यहाँ पर हमें पूरा कोड जो है हमने इम्प्लीमेंट करके दे दिया, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं, लाइक क्रिएट अ बबल सॉर्ट प्रोग्राम इन जावा लाइक दिस, और हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क लगाते देखो यहाँ पर हमें इसने यहाँ पर प्रोग्राम नहीं दिया, ठीक है। क्रिएट अ बबल सॉर्ट प्रोग्राम इन जावा, तो हो सकता है कभी कभी ये तुम्हें कोड ना भी दे, ठीक है, नहीं दिया। अब लेट सपोज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम, या फिर हम देखते हैं क्रिएट अ लीनियर सर्च प्रोग्राम इन जावा, और यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, और इसमें देखो हमें लीनियर सर्च का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर हमें उठा के दे दिया, और इसका साथ में सोर्स भी दिया है। तो मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल टूल है जो कि AI के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट एनी वीडियो, इसका और भी बहुत सारा यूज़ है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी वीडियो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर तुम कोड को सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी वीडियो टू अदर वीडियो।
तो ये मतलब जो है हमारा जो प्लगइन है ये बहुत तरीके से इसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ब्लैक बॉक्स प्लगइन क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर यूज में लेते हैं वीएस कोड के अंदर। इसी तरीके के ऑसम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे द कोडर्स टीवी चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।